जय हो द्वारका देश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। दो डेक है, दोनों में से भी लेंगे हम आठ आठ कार्ड। जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है आपके सिचुएशन के साथ कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। पहला जो कार्ड मिला है वो है द स्टार का, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे तो ये पर्सन विश मांग रहे हैं टू ऑफ कप की एनर्जी में आने के लिए, यानी कि अगर आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं तो शायद ये एंजल्स को डिवाइन टाइमिंग सही करने के बारे में बोल रहे हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे से मिल पाए। फिर है फोर ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरिस लियो या फिर सैजिटेरियस मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। शादी ब्याह को लेके काफ़ी ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। हो सकता है रिसेंटली ये किसी की शादी अटेंड करके आए हैं या फिर अपनी शादी को लेके ये कुछ सपनों में खोए हुए हैं। एज सुन एज पॉसिबल वो चाहते हैं इनका ये सपना पूरा हो, क्योंकि पहला कार्ड हमें मिला है विश का, तो इनकी विश क्या है, शादी हो। फिर है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि तीन सॉर्ड्स हैं जिनका नुकीला सिरा नीचे की तरफ है, यानी कि ये इनके दिलो दिमाग में जो तकलीफ देने वाली बातें हैं वो किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे और परेशान हो रहे हैं, उनका ये सपना पूरा नहीं हो रहा इस वजह से। और जैसे माँ बाप से तो ये कह नहीं सकते कि मुझे शादी करनी है, लेकिन शादी हो नहीं रही है जिस वजह से मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही, ये बातें उनके साथ शेयर नहीं कर सकते, ना ही शायद आपको बता सकते हैं कि इनके दिलो दिमाग में शादी को लेके क्या क्या सपने इन्होंने देख रखे हैं और जो ना पूरा होने की वजह से ये कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। तो वही सोच रहे हैं मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ। फिर है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस यानी कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। ये भी विश कार्ड ही होता है, तो नाइन कप्स इनके पास है, अब बस कमी है एक कप की। तो ये चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल ये टेन ऑफ कप की एनर्जी में पहुंच जाए, जहाँ पे एक कपल होता है, दो बच्चे होते हैं और खूबसूरत प्यारी सपनों की दुनिया होती है। तो कहीं ना कहीं शादी के बाद ये कार्ड आया है, जिसका मतलब ये काफ़ी कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके सोच रहे हैं, वो भी आपके साथ। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। यहाँ पे तो कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा है इनके दिलो दिमाग में, मतलब जैसे यहाँ पे पहला ही कार्ड मिला है स्टार का, तो आपसे मिलने के बारे में भी इनके दिलो दिमाग में काफ़ी कुछ बातें चलती रहती है, लेकिन बात करूँ तो क्या करूँ ये उनको समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर आप सामने से उनको मिलेंगे भी तो भी आपको शायद लग सकता है कि ये इतना खामोश क्यों है, इतने दिनों बाद मिले हैं फिर भी कुछ बातें नहीं कर रहा। ये इसलिए बातें नहीं कर रहे क्योंकि इनके दिलो दिमाग में वो सब बातें चल रही हैं और वो आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, बता ही नहीं पाते, क्योंकि वो बातें बहुत स्पेशल है और शायद काफ़ी ज़्यादा उनके ख्वाबों ख्यालों से जुड़ी हैं, जिस वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पाते। फिर है द लवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पर्सन हैं और बीच में ये पर्सन सोच रहा है, तो हो सकता है किसी किसी के साथ एक्स लवर की भी थोड़ी सी यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। अगर हो सकता है इनके एक्स लवर की शादी हो गई है तो ये उस पल को याद कर रहे हैं कि किस तरह से वो पर्सन ज़िंदगी में सेटल हो गया है
उसको जब पता चलेगा कि मेरी भी शादी हो गई है, तब उसको समझ में आ जाएगा कि मैं लाइफ में कितना खुश हूँ। यहाँ पे तो यही एनर्जी थोड़ी फील हो रही, क्योंकि सीधे फोर ऑफ वैंड के बाद ये कार्ड आया है। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है। तुला राशि आपकी या उनकी राशि होती है, हो सकती है, तो यहाँ पे ये सोचते हैं कि यूनिवर्स ही इनको जस्टिस दिला रही है। मतलब जिस पर्सन ने अगर इनका दिल तोड़ा था पास में, या फिर इनको हर्ट किया था, तो उनको लगता है कि इनके साथ सही हो रहा है, क्योंकि आपके रूप में इनको वो पर्सन मिला है जो पर्सन उनसे सच्चे दिल से प्यार करता है। तो इनका तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन इनको लगता है कि इनको इनके या प्यार को जिसने ठुकराया है उसके साथ ज़रूर डिवाइन जस्टिस कर रहा है, यानी कि उसको ज़िंदगी में प्यार की कमी ज़रूर महसूस होती होगी, क्योंकि इस पर्सन ने भी शायद सच्चे दिल से उसको चाहा था। और अगर उस एक्स लवर ने इनके प्यार की कदर नहीं की, तो अब यूनिवर्स उनको कुछ सबक सिखा रही है, ऐसा शायद इनके कानों के ऊपर भी कुछ सुनने को इनको मिल रहा है। मतलब कुछ डिस्कशन होता है ना, किसी की शादी हो गई है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, नहीं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रहे, तो वैसे भी शायद कुछ बातें इनको सुनने को मिली हैं, जिस वजह से ये सोच रहा है। यहाँ पे क्यों ये कंफर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी थ्री ऑफ सोर्स आया है, यानी कि थर्ड पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी में दो पर्सन है और बीच में ये है, और जस्टिस का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी यही फील हो रहा है कि यूनिवर्स इनको लग रहा है कि उस पर्सन को सबक सिखा रही है। और फाइनल कार्ड है फोर ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन टॉरस वो हो या फिर कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। काफ़ी कुछ फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, साथ ही साथ पैसों को लेके भी काफ़ी कुछ दिलो दिमाग में चल रहा है, लेकिन ये चाहते हैं अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में। मतलब बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो विश, जैसे यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, तो जैसे हम एक एक पैसा इकट्ठा करके रखते हैं कि ये पैसा इतने जमा होंगे तो ये खरीदना है, वो खरीदना है, तो वैसे ही इनको लग रहा है कि एक बस कमी है, वो अगर कमी पूरी हो जाए तो मेरी हैप्पीनेस का खजाना मुझे मिल जाएगा, और उसी खजाने को ओपन करने के बारे में ये सोच रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं शादी को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ये पर्सन है। फिर है डू यू सी द रेनबो, योर इंट्यूशन इज करेक्ट। तो जैसे इंद्रधनुष के कलर होते हैं, एक सेम कलर नहीं होता, अलग अलग कलर होते हैं, वैसे ही ज़िंदगी में हमें हर रोज़ अलग अलग कलर को फेस करना पड़ता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं। हम सुबह जब उठते हैं तब ऐसा ही मूड होता है और वैसा ही हर दिन रहेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। दिन भर में भी कई बार हम मूड स्विंग करते रहते हैं, एक साइकिल से गुजरते रहते हैं, जहाँ पे इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। कुछ बातें अच्छी लगती है, कुछ दिल को बुरा लगता है, फिर रात को खुद को समझा के नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो वैसे ही, लेकिन वो इंद्रधनुष तभी दिखता है जब बारिश हो जाती है। तो वैसे ही इनको भी लग रहा है कि राइट नाउ अगर ये कुछ मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के प्यार में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वो इंद्रधनुष भी इनको दिख जाएगा, जहाँ पे इनको वो सभी हैप्पीनेस के कलर मिल जाएंगे। जैसे नेक्स्ट कार्ड मिला है शादी का। नेक्स्ट है द यर्निंग इज रियल एंड द केव इज डीप, यू विल कम आउट अ विंटर। तो जैसे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो हर कोई अपनी अपनी गुफा में रहना प्रेफर करता है, और ये इसलिए होता है कि हम ठंड से बच पाएँ। वैसे ही कई बार ज़िंदगी में हम थोड़ा एक दो कदम पीछे भी हट जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हार मान ली, लेकिन माहौल को देखते हुए खुद को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी भलाई के लिए होता है। तो वैसे ही ये भी सोच रहे हैं कि अगर अभी राइट नाउ घर में कोई बात नहीं मान रहा है, तो उनको समझाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं, और इनको भी पता है कि उनको भी इनकी फिक्र है, जिस वजह से शायद वो काफ़ी ज़्यादा समय ले रहे हैं। लेकिन जैसे विंटर यानी कि मतलब ठंड का महीना हमेशा तो नहीं रहने वाला, मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही उनको लग रहा है कि हालात भी बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे, इसके लिए इतना फ्रस्ट्रेटेड मैं क्यों हो रहा हूँ, क्यों हो रही हूँ। तो शायद आपके बारे में भी ये वही सोच रहे होंगे, मतलब ये खुद फ्रस्ट्रेटेड है ऐसा नहीं, लेकिन शायद इनको लग रहा है कि आप सोच सोच के परेशान हो रहे होंगे, तो आपको समझाने के लिए शायद ये सब सोच रहे हैं। फिर है समबडी नीड्स यू, शो सम काइंडनेस, डू नॉट फॉरगेट टू शो काइंडनेस टू योरसेल्फ। तो आप एक शायद ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं और सबकी हेल्प सच्चे दिल से करते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको समझाना चाहते हैं कि जितना आप दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं या अच्छा फील करते हैं,
उनकी हेल्प करके वैसे खुद के बारे में आपको सोचना चाहिए। यानी कि आप अगर अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं या फिर परेशान हैं तो आपकी हेल्प कौन कर सकता है। तो खुद का ख्याल रखने के बारे में ये शायद आपको कुछ बोलना चाहते हैं। उनको लगता है राइट नाउ आप शायद अपने नीड्स को या फिर अपने जज्बातों को थोड़ा नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसका असर शायद किसी किसी के हेल्थ के ऊपर भी पड़ रहा है। और ये पर्सन आपको समझाना चाहते कि बाकी तुम्हें जो मर्जी है, जिसकी हेल्प करनी है सब करो, लेकिन खुद को थोड़ा सा वक्त दो या फिर खुद का ख्याल रखो। नेक्स्ट है, यू आर सेफर नॉट टू स्ट्रेटजाइज, द ऑड्स आर अगेंस्ट यू एंड अनफेयर। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि ये भले ही अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, कुछ प्लान क्यों ना बनाए, लेकिन हालात शायद इस वक्त कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और कई बार जब हम हद से ज़्यादा हालात को चेंज करने के बारे में सोचते हैं तो परेशानी होती है। तो लेट गो करना पड़ता है या फिर गो विद द फ्लो करना पड़ता है। कई बार वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, यानी कि सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये शायद आपको भी यही बोलना चाहते हैं, मतलब शादी ब्याह को लेके ये भी सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप दोनों परेशान हो रहे हैं तो ये आपको शायद समझाना चाहते हैं कि बातें अगर हमारे अगेंस्ट है तो थोड़ा वक्त देते हैं, थोड़ा माहौल सेटल हो जाए, फिर कुछ आगे बढ़ेंगे। फिर है, स्टे लॉयल टू योर हार्ट, इट्स होल्ड ऑल द पावर। तो अपने दिल के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको भी वही बोलना चाहते हैं कि तुम्हें पता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है और तुम्हारे दिल में भी क्या है, ये मैं जानता हूँ। बस बाकी दुनिया के बारे में हमें सोचना नहीं है और कहीं ना कहीं ये प्यार के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा यकीन रखते हैं। नेक्स्ट इज द जर्नी बिगिंस, यू आर सेफ प्रोटेक्टेड एंड रेडी। तो उनको लगता है कि ये प्यार की जो जर्नी है वो आपके साथ इनकी ऑलरेडी शुरू हो गई है। आप दोनों भी सेफ हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आप दोनों भी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। बस प्रॉब्लम है कुछ छोटे मोटे, वो भी सॉर्ट आउट हो ही जाएंगे। फिर है, अ सैड फिगर इज आफ्टर यू, इट डज नॉट स्टैंड अ चांस फेसिंग योर स्ट्रेंथ। तो जब हम उदास होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे इर्द गिर्द भी काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी है या उदासी है जो हमें हिम्मत से काम लेने के लिए मना करती है और हम निराशा में गिर जाते हैं। तो आपको भी यही बताना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, हौसला रखो, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब आपके घर वालों को भी शायद ये हर्ट नहीं करना चाहते और हो सकता है इनके घर वालों को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है, आउट ऑफ स्टिक एंड स्टोन्स वन कैन मेक एन एरो, इट इज़ पॉइंटेड टू द वन हुज माइंड इज नैरो। तो जैसे यहाँ पे बात आ रही है, यहाँ पे तो शायद ये पर्सन आपको यही बताना चाहते हैं कि जैसे कुछ लोगों की आदत होती है बेकार में झगड़ा करने की, जैसे कोई किसी के ऊपर मान लीजिए लाठी फेंकता है या पत्थर फेंकता है, लेकिन उससे इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगती सामने वाले पर्सन को, लेकिन उसके माइंड में वो हर्ट फील करता है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और वो दिमाग में फंसा रहता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो शायद आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग या रिश्तेदार या फिर आप कह सकते हैं कि जिनका मकसद अच्छा नहीं है वो आपके लिए कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं कि आपको तकलीफ दे सकेंगे या फिर इतने पावरफुल नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप उन बातों को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं, जिस वजह से आप अंदर से टूट रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बातें वैसी निगेटिव हो जाएंगी जैसा ये लोग आपको महसूस करवा रहे हैं। तो ये आपको बस यही कहना चाहते हैं कि उन लोगों को या फिर उन बातों को माइंड में जगह ही मत दो जिनकी हमें ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये मैसेज पहले आया था कि अगर दिल सच्चा है और हमें पता है कि हमारे दिल में क्या है, हम क्या चाहते हैं, तो उसी बात के ऊपर फोकस होना चाहिए, ना कि हालात के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा आज की रीडिंग में तो आपके पर्सन को आपकी फिक्र है और कहीं ना कहीं शायद आपको कुछ दिल की बातें समझाने के बारे में ये सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।